हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम सॉरी बेटा। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है बेटा, पहला संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.4 हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके सारे बेसिक्स पढ़ा रखे हैं बेटा, बेसिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो प्लीज़ अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, बेसिक्स देख के इसको स्टार्ट करना। अगर आती है तो फिर कंटिन्यू करो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक सक्रिया, ये जो स्टार दे रखा है, द्विआधारी सक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। द्विआधारी सक्रिया क्या होती है, कैसे आती है, सब बता रखा है बेसिक्स में। उच्च दशा में स्टार एक द्विआधारी सक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए, मतलब जब नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जेड प्लस में। जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पूर्णांक लेने सारे प्लस में, और ए स्टार बी, अगर ए और बी का ऑपरेशन किया जाएगा तो ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। बहुत ही आसान है। सो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो हमें दिया है, एक समुच्चय दिया होता है, एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे लिखवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। जो समुच्चय आपको दे रखा है, जो सेट आपको दे रखा है ना बेटा, Z प्लस का मतलब क्या होता है कि पूर्णांक के धनात्मक नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे मेंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, और किस तरीके से परिभाषित कर रखा है कि अगर दो पद लोगे और उनकी अभिक्रिया करोगे तो a माइनस बी द्वारा परिभाषित है। ठीक है, इसके द्वारा परिभाषित है। तो क्या ये द्विआधारी सक्रिया होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये द्विआधारी सक्रिया होगी या फिर नहीं होगी वो आपको बताना है। ठीक है, सो देखिए बेटा मैं आपको एग्जांपल देके मना करूंगा। जब कोई चीज को मना करना है बाय एग्जांपल मना करना है, कोई चीज होगी तो बाय लैंग्वेज प्रूफ करोगे, और हमेशा ना किस केस में हो सकता है वही आपको सोचना, क्योंकि हाँ होने के लिए बेटा हजारों लाखों बार हाँ हो जाएगी, ना होने के एक आध बार ही ना होगा, वही चीज आपको सोचना है। देखो बेटा, यदि मैं आपको दिखाता हूँ, ए बराबर मैंने ले लिया 2, जो कि ये जेड प्लस से आ रहा है, और बी बराबर मैंने ले लिया 5, जो कि इसी जेड प्लस से आ रहा है। अब ये करना है हमें, नाउ ए और बी की ऑपरेशन करनी है, तो a माइनस बी है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 माइनस के 5 क्या जाएगा बेटा, -3। क्या -3 इस z में है, इस z में नहीं है। द्विआधारी सक्रिया क्या होती है, अगर आपके पास दो पद लेते हो यहां से और उनकी अभिक्रिया कराओगे, जो भी अभिक्रिया दे रखा होगा, जो नया पद आएगा वो भी इसी में होना चाहिए, क्या इसी में है ये -3, नहीं है। ठीक है, अतः यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विआधारी सक्रिया को बाइनरी ऑपरेशन करते हैं अंग्रेजी में, ज्यादा आसान पड़ रहा है तो वही मैं लिख रहा हूं, यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका एक बार दिमाग चलने लग गया ना, हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं है। फिर से वही जेड प्लस में, अब की बार ए गुणा बी दे रखा है, अब इसके बारे में सोचना है। ठीक है, इसके बारे में सोचना है। सो देखो बेटा सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो समुच्चय हमें दे रखा है तो वो जेड प्लस ही है। ठीक है, और जो ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, ऑपरेशन हमें क्या दे रखा है बेटा, कि ए स्टार बी करोगे तो आपको ए बी मिलेगा। ठीक है, ए गुणा बी मिलेगा, ऐसे इसके द्वारा परिभाषित है, ये आपको ऑपरेशन दे रखा है। तो देखो बेटा ऑब्वियसली बात है, यदि क्योंकि ये होगा ए, देखो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन जो चीज प्रूफ होगी ना, जो भी चीज होगी बेटा, उसे बाय लैंग्वेज लिखते हैं, तो लैंग्वेज लिखना। अगर आप ए जेड प्लस से लोगे
और बी भी अगर आप जेड प्लस से लोगे तो ऐसे लिखा जाता है ए स्टार बी, ए बी वो जो देगा वो भी कहाँ से आएगा बेटा, जेड प्लस में आएगा। और यहाँ से हर एक ए बी कहाँ से लेना पड़ेगा हमें, हर एक, और ये बात हर एक ए बी के लिए लागू होगी, हर बार होगा, एक आध बार नहीं हर बार होगा, हर एक ए बी। इसका मतलब क्या होता है, हर एक, फॉर एवरी बोलते हैं अंग्रेजी में। इस चिन्ह को लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ए और बी कहाँ से आएंगे, जेड प्लस से आएंगे, ठीक है। अतः ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये क्यों है। जैसे आपने ए ले लिया बेटा 5, बी ले लिया आपने 7, ठीक है। ए स्टार बी करोगे, मैं एग्जांपल देके भी समझा दे रहा हूँ, ए बी है यानी कि 5 × 7 है, 5 × 7 = 35 आएगा। तो बेटा ये जेड प्लस से है, ये भी जेड प्लस से है, तो ये जो नया मेंबर आया ये भी तो जेड प्लस के अंदर ही है, धनात्मक पूर्णांक है ये। तो आपने ये जेड से लिया था, ये भी जेड प्लस लिया था, जो आया वो भी जेड प्लस नहीं है, अर्थात ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसे किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। चेक कैसे किया जाता है, आर में, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के पास सब होता है, ठीक है बेटा। जिसको पता नहीं है मैं बता देता हूँ, देखो वास्तविक संख्या के पास क्या है बेटा, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो दुनिया में जितने भी टाइप प्रकार के नंबर्स हैं सब वास्तविक संख्या के पास होते हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर। इस परिमेय संख्या में क्या जाता है बेटा, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, है ना, होल नंबर्स, सारे नंबर्स जो भिन्न हैं क्यू टाइप में, ये सारे आपके आ जाते हैं। अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3, अशांत, आवृत्ति, ये सारे नंबर आपके पास वास्तविक संख्या के पास होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आर दे रखा है सक्रिय, ए स्टार बी ए बी स्क्वायर दे रखा है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके बताओ किसका क्या होगा, मैं देखना चाहता हूँ कमेंट कितना चल रहा है। देखो आर में दे रखा है ना, ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर दे रखा है ना। सो देखो यदि ए हम आर से लेंगे और बी भी आर से लेंगे तो ए स्टार बी हमारे क्या है बेटा, ए बी स्क्वायर, ये भी कहाँ होगा, आर में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या का स्क्वायर करोगे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे वास्तविक संख्या ही आता है, अर्थात यह बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। और यहाँ लिखना मत भूलना, फॉर एवरी ए को मैं बी कहाँ से आएगा, आर से आएगा, ठीक है। आपको एग्जांपल्स समझना है तो कुछ भी एग्जांपल्स ले लो, जैसे ए के स्थान पर 0 ले लो, बी के स्थान पर अंडर रूट 3 ले लो, और यहाँ रख के देख लो एक वास्तविक संख्या ही आएगी, ए स्टार बी जब करोगे आप, ए बी स्क्वायर है ना, तो ए आपका 0 है, बी आपका अंडर रूट 3 है, हल करके 0 मिलेगा। 0 में क्या होती है, वास्तविक संख्या ही होती है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, हल करके भी एक वास्तविक संख्या मिला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक। फोर्थ में आ जाओ, इसके द्वारा परिभाषित है। तो देखो बेटा यदि ये हो जाएगा, मैं आपको समझा दूं, अगर ए आप 1 लोगे और बी आप 5 लोगे, ठीक है, और करके देखो बेटा, ए स्टार बी करोगे ना आप, तो ए के स्थान पर क्या है 1, बी के स्थान पर क्या है 5, सो अंदर माइनस के 4 आएगा, लेकिन ये मॉडुलस चिन्ह है, अखबार के बाहर प्लस का हो जाएगा। ए आपने जेड प्लस से लिया था, बी भी अपने जेड प्लस से लिया था, और जो नया मेंबर मिला वो भी जेड प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विआधारी सक्रिय हो जाएगी। तो लिखने का तरीका कैसे होगा, ऐसे मत लिख देना एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए मैंने बोला। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, यदि
ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो ए स्टार बी जो आपका आएगा ए माइनस बी का मॉडुलस वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा जेड प्लस में, और ये बात हर एक ए बी के लिए लागू होगी, ठीक है। अर्थात ये द्विआधारी सक्रिय है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट दिक्कत हो तो बेटा एक बार दोबारा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पांचवे में, पांचवा पार्ट है, जेड प्लस में है फिर से, और ए स्टार बी आपको दे रखा है ए के बराबर। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, सेट आपके पास जेड प्लस है और ए स्टार बी आपको ए दे रखा है, इससे परिभाषित है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, देखते ही पता लग जाए। देखो बेटा, यदि आप ए अगर जेड प्लस से चुनोगे, बी भी अगर आप जेड प्लस से चुनोगे, और ऑपरेशन जब कराओगे ए स्टार बी, तो वो ए के बराबर दे रखा है, और ए क्या है बेटा, जेड प्लस में है, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड प्लस में, दोनों मेंबर आपने जेड प्लस से लिए, जो नया मेंबर आया वो भी जेड प्लस में है, हर एक ए बी कहाँ से आ रहा है, जेड प्लस से आ रहा है, अतः यह बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आराम से हो गया, पांचों पार्ट हमने आराम से कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी सक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी सक्रिया द्विआधारी क्रमविधि में है, क्या साहचर्य है, मतलब क्रमविधि में और साहचर्य हमें चेक करना है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं बताना चाहूँगा बेटा इसके जितने भी उदाहरण है प्रश्न आप 10.4 करने के बाद जरूर खुद से ट्राई करना, करना नहीं होगा तो मैं तो करा ही दूंगा, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इनको हम एक एक करके करेंगे, ठीक है, एक एक करके सारे करेंगे। एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं करना। पहले वाले पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट है जेड, जेड मतलब पूर्णांक, जेड का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक जानते हैं ना, जेड बराबर क्या होता है बेटा, जीरो, यहाँ से माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, एक दो तीन, ऐसे चलता रहता है इधर भी और इधर भी, ये पूर्णांक होते हैं हमारे, आपको पता ही होगा। ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए स्टार बी किसके बराबर दे रखा है, ए माइनस बी के द्वारा दे रखा, बी माइनस दे रखा है, तो क्या ये क्रम विधि में है कि नहीं है, क्या ये साहचर्य है कि नहीं है, ठीक है। सो देखो बेटा, चेक करते हैं, पहले सबसे पहले चेक करेंगे क्रम विनिमय को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमटिविटी। कॉमटिविटी क्या होता है, ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तो देखो बेटा, ए स्टार बी करेंगे तो ए माइनस के बी आएगा, और बी स्टार ए करेंगे तो बी माइनस ए आएगा, क्या ये चीज़ आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे, चूँकि ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर नहीं है, अर्थात यह क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है आंसर, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब आपको क्या चेक करना है बेटा, साहचर्य, साहचर्य को अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है, साहचर्य को चेक करना है। साहचर्य क्या होता है बेटा, ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होता है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ये अगर बराबर है, और हर एक ए बी सी कहाँ से ना आएगा, जेड से आएगा, जो सेट दे रखा होगा, और एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, जो सेट आपको दे रखा होगा वहाँ से आता है, ठीक है। सो देखो बेटा, अगर आप चेक करना चाहें, सो फॉर एग्जांपल आप ए बी सी लेके लिए चेक कर सकते हैं, यदि ए के स्थान पर वन, बी के स्थान पर टू,
और सी के स्थान पर 3 ले लो, ये सारे जेड से आ रहे हैं, जेड से ही लेना है, बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड। यहाँ रख के देखो, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, ए स्टार भी निकालो। दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके से बता दूँ। यहाँ से चेक करो, ए स्टार बी स्टार, क्या लिखा, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये चेक कर दें, फिर इधर चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ए की प्लेस पे क्या है, 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 कटाएंगे, माइनस के 1, ठीक है ना, तो माइनस 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 4। एल एच एस माइनस 4 आ गया। आर एच एस चेक करो, ए की प्लेस पे 1, क्योंकि इस नियम से हम खोल रहे हैं, ये जो नियम दे रखा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3, 2 से 3 कटाएंगे, माइनस का 1 आएगा, ये ए की जगह पे ये बी की जगह बने, ए माइनस के बी होगा, तो 1 प्लस के 2 हो जाएगा। एल एच एस माइनस 4 आ रहा है, आर एच एस 2 आ रहा है, बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो ये साहचर्य नहीं होगा, ठीक है, साहचर्य क्या लिख दिया, यह एसोसिएटिव नहीं होगा, यह आंसर आ जाएगा, ठीक है, यह एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस पे चेक करना है, सेकंड वाला पार्ट है, क्यूब में, क्यूब हमें क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर किसके, ए प्लस बी, ए गुणा बी इसके है, ठीक है, क्यू मतलब क्यू होता है रैशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या, ए स्टार बी, सो देखो अगर ए स्टार बी करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या होता है बेटा, ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए, और हर एक ए बी कहाँ से आना चाहिए, इससे आना चाहिए, है ना। तो देखो अगर ए स्टार बी करेंगे तो ये दे रखा है ए बी प्लस 1, तो बी स्टार क्या होगा, बी ए प्लस 1, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ए बी लिखो या बी लिखो, बात एक ही है, आगे बराबर, तो अतः यह क्रम विनिमय है, यह क्रम विनिमय है। अब दूसरा क्रम विनिमय है कि नहीं वो आपको चेक करना है, साहचर्य चेक करना है ना, नंबर 2 पे साहचर्य चेक करना है, तो साहचर्य के लिए क्या होता है, ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज बराबर होनी चाहिए, मतलब ऑपरेशन आगे पीछे करके कुछ भी करो बराबर आना चाहिए। तो देखो बेटा अगर बी स्टार सी करूंगा मैं, इधर सॉल्व करके देखते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस 1 था, अगर ए गुणा बी था तो यहां से क्या जाएगा, बी सी प्लस 1, ठीक है, यहां से क्या आएगा, ए बी प्लस 1 स्टार सी। अब ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, ठीक है, तो पहले क्या होता है, इन दोनों की गुणा होती है और फिर एक जोड़ते हैं, इन दोनों की गुणा होती है फिर एक जोड़ते हैं, गुणा करो, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ए बी सी प्लस सी प्लस 1, देखो ये बराबर है क्या, यहाँ पर सी है यहाँ पर ए है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, अतः यह साहचर्य, क्या लिख दे रहा हूँ हिंदी, साहचर्य नहीं है, ठीक है, हिंदी भी मत जाओ, मैथ्स पे जाओ, क्यों, सो बेटा पता चल गया दोनों तरफ बराबर नहीं है तो साहचर्य नहीं होगा, ये भी होगा। अगले में आ जाओ, तीसरा वाला पार्ट,
फिर से वही क्यू में, और ए स्टार बी जो दे रखा है वो है ए बी बट्टे दो। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे दूसरा वाला किया था। सबसे पहले चेक करेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय को अंग्रेजी में बोलते कॉमोटिविटी। बोले तो कॉमोटिविटी क्या होता है बेटा? ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, यही होता है। सो ए स्टार बी क्या है? ए बी बाई टू। बी स्टार क्या होगा? बी ए बाई टू। तो बात ए बी या बी ए बात तो एक ही है, बराबर है। चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, फॉर एवरी ए कॉमा बी कहाँ से लिया जाना है, क्यों से लिया जा रहा है, अर्थात ये क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम विनिमय है। अब आपको चेक करना है साहचर्य। साहचर्य में क्या होता है बेटा? ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होता है? ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। आपको पहले ही बोल रखा है कि ए स्टार बी करोगे तो ए बी बट्टे दो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग में, यदि ए कोमा बी कोमा सी आपने कहाँ से लिया? क्यों से लिया है? हल करो। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी बट्टे दो हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी बट्टे दो स्टार सी। अब दो है, दोनों के गुणा हो गया, बट्टे में दो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी वही, दोनों के गुणा हो गया और बट्टे में दो आ जाएगा। ये आ गया ए बी सी बट्टे चार, ये भी आ गया ए बी सी बट्टे चार, दोनों तरफ बराबर आ गए। यह साहचर्य है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आना, यानी कि ये साहचर्य है। ठीक, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू, ये लिखना बिल्कुल मत बोलना। ठीक, ये नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हर एक क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो फोर्थ है बेटा, जेड प्लस में दे रखा है, और ए स्टार बी क्या है? टू की पावर ए बी है। तो पहले चेक करेंगे क्या क्रम विनिमय, ए स्टार बी बी स्टार ए है कि नहीं है। तो यहाँ लिख देना पहले, यदि ए कमा बी कहाँ से लिया जा रहा है? जेड प्लस से। तो ए स्टार बी क्या है बेटा? टू की पावर ए बी। तो बी स्टार ए क्या होगा? टू की पावर बी है। तो ए बी करो या बी ए करो, बात तो एक ही है, तो ये बराबर है। ये क्या हो जाएगा? अतः यह क्रम विनिमय है। पहला आंसर ये पता चल गया। नंबर टू आपको चेक करना है साहचर्य। साहचर्य क्या है बेटा? ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे होता है ना। और यहाँ पे लिख देना, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से लिया जा रहा है? जेड प्लस से। और यहाँ लास्ट में लिखना, आप भूल गए थे हम कि ए और बी, हर एक ए बी कहाँ से आएगा? जेड से आएगा। प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर ए और बी की ऑपरेशन होती तो टू ए बी आता है। बी आर सी का होगा तो टू की पावर बी सी आएगा, है कि नहीं? ओके, अब ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। ठीक है, तो क्या होगा? टू की पावर में टू ए बी इंटू सी। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा टू की पावर में ए इंटू की पावर बी सी। तो देखो, ये टू की पावर में ए बी है और ये टू की पावर में बी सी है,
तो ये चीज और ये चीज क्या जाएगी, ये चीज और ये चीज देखो थोड़ा अलग अलग है, बराबर नहीं है। 2 की पावर 20 है और यहाँ 2 की पावर में ये भी है, तो ये चीज अलग है, बराबर नहीं है, अतः यह साचर्य नहीं है। ठीक है, ये साचर्य नहीं होगा बेटा। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा जरूर देख लेना। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ये तो आसान है, z प्लस में 1 की पावर b दे रखा है, चेक कर दें क्या है z प्लस में है और a स्टार b क्या दे रखा है, a ऑपरेशन b 1 की पावर b दे रखा है। ठीक है, सो पहला चेक करेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय बोले तो कमोटिविटी, कमोटिविटी में यदि ए और बी कहाँ से ले रहे हैं, जेड प्लस से ले रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, बी स्टार ए होना चाहिए। ए स्टार बी करोगे तो ए की पावर बी आएगा और बी स्टार ए करोगे तो बी की पावर ए आएगा, ये कतई आपस में बराबर नहीं है, अतः यह क्रम विनिमय कमोटिविटी नहीं है। अब आपको चेक करना है एसोसिएटिविटी, साचर्य, साचर्य चेक करो, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड प्लस तो क्या होना चाहिए बेटा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा होना चाहिए है कि नहीं। सो अगर ए है बी स्टार सी करोगे तो बी की पावर सी आ जाएगा, इस नियम से जो नियम दे रखा है उसी के नियम खोलना है, और यहाँ ए की पावर बी सी हो जाएगा। अब ये इसकी गुणा है तो ए की पावर में ये आ जाएगा और इसकी पावर में ये आ जाएगा। ठीक है, ए की पावर में बी की पावर सी और ये चीज़ आपस में देखो बिल्कुल बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। ये ए की पावर बी की पावर सी है और ए की पावर में बी, बी की पावर में सी है, तो अलग अलग चीज़ है, बराबर नहीं है, अतः यह साचर्य भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये साचर्य भी नहीं होगा आपका, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन में, 6 लास्ट वाला पार्ट है इसका, इसको करते हैं। कह रहे हैं अब की बार आर है आपके पास, पूरे का पूरा वास्तविक संख्या लेकिन उसमें सिर्फ माइनस का 1 नहीं है, और ए स्टार बी किस रूप से परिभाषित किया है, ए के बट्टे में बी प्लस 1 है, इसका मतलब क्या होता है ना, पूरी वास्तविक संख्या है इसके पास सिर्फ माइनस 1 को छोड़कर। ठीक है, तो सेट आपके पास क्या है, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है सिर्फ r माइनस 1 को छोड़कर, और a ऑपरेशन b हमें दे रखा है a के बट्टे में b प्लस 1, तो देखते ही पता लग रहा है भाई ये क्रम विनिमय तो होगा नहीं, चेक करते हैं क्रम विनिमय, यदि a कॉमा b कहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो इस सेट से, तो चेक करो a स्टार b बी स्टार ए के बराबर है कि नहीं, अगर ए स्टार बी रहेगा तो ए के बट्टे में बी प्लस 1 होगा और बी स्टार रहेगा तो बी के बट्टे में ए प्लस 1 होगा, क्या ये बराबर आपस में, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्रम विनिमय बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्रम विनिमय, अब आपको चेक करना है इसी तरीके से साचर्य, ठीक है, चेक करेंगे तो ए स्टार
बी स्टार सी ए स्टार, ये मैं चेक करना, अगर ए स्टार बी होगा तो ए के बट्टे में बी प्लस वन आएगा और यहाँ से आ जाएगा बी के बट्टे में सी प्लस वन, ठीक है ना, बी स्टार सी होगा तो इस नियम से, ठीक, क्योंकि अगर ए स्टार बी है तो ए ऊपर रहेगा बी बी प्लस वन हो जाएगा इस, ठीक है, और बी होगा तो बी ऊपर रहेगा सी प्लस वन हो जाएगा, अभी ये ए के जगह पर है, ए ऊपर रहेगा सी प्लस वन हो जाएगा, ये ए है ऊपर रहेगा और ये बी के जगह पर है तो प्लस वन हो जाएगा, तो क्लियरली दिख रहा है ये भी आपस में इक्वल नहीं है तो साहचर्य भी नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इनको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, ए ऑपरेशन बी करना है और आपको जब करोगे तो उन ए बी का निम्नतम मान लेना है, ठीक है, द्वारा परिभाषित द्विआधारी सक्रिया पर विचार कीजिए, सक्रिया के लिए सक्रिय सारणी बनाइए, सक्रिय सारणी को अंग्रेजी में कंपोजिशन टेबल बोलते हैं, तो सक्रिय सारणी कैसे बनेगी वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फिर उसी सक्रिय सारणी पर हमसे नीचे क्वेश्चन भी पूछ रहा है चौथे में, सो वो भी हम देखेंगे, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 में, सक्रियता सारणी, सक्रिय सारणी, ठीक है, सबसे पहले बेटा हमें क्या दिया हुआ है, जो समुच्चय है दिया, जो समुच्चय है वो हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और दोनों में जो हमें मान लेना है मिनिमम मान लेना है ए बी का, अगर ए और बी की आप सक्रिय कर रहे हैं तो ए और बी में जो छोटा होगा उसको लिखना है आपको, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं सक्रिय सारणी, एक लंबी लाइन इधर खींचो, एक लंबी लाइन इधर खींचो, यहाँ पर जितने पद ना 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दो, ये चीज यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी लिखो 1 2 3 4 5, ये अभी आपका ए है और ये भी आपका बी है इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, एक और एक में छोटा एक ही है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, एक, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, एक एक एक, दो और एक में छोटा कौन है, एक दो 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 दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, है कि नहीं, सिंपल बेटा। अब आओ 3 और 1 में छोटा कौन है बेटा, एक, 3 और 2 में छोटा कौन है, 2, 3 और 3 में छोटा कौन है, 3, 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, 3 और 5 में छोटा कौन है, 3, 4 और 1 में छोटा कौन है, 1, 4 और 2 में छोटा कौन है, 2, 4 और 3 में छोटा कौन है, 3, 4 और 4 में छोटा कौन है, 4, 4 और 5 में छोटा कौन है, 4, 5 और 1 में छोटा कौन है, 1, 5 और 2 में छोटा कौन है, 2, 5 और 3 में छोटा कौन है, 3, 5 और 4 में छोटा कौन है, 4, 5 और 5 में छोटा कौन हो जाएगा, 5, तो ये आपकी कंपोजिशन टेबल सक्रिय सारणी बन के रेडी है और इसे आप सर्व कीजिए अपने टीचर को, है ना, हो गया, इतना आसान था, बस इसको फॉलो किया मैंने, कंपोजिशन टेबल आपके बन के हाथ में है, आराम से बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत आसान है, कह रहे समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित सक्रिय सारणी आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार 3 स्टार 4 और ये इसका मान ज्ञात करना है, क्या ये क्रम विनिमय है ये भी आपको चेक करना है, इसका भी आपको परिकलन करना है ये सारणी देख के, ठीक है बेटा, ये सारणी देखते हुए आपको हल करना है, सो आपको दिखाते हुए मैं हल करूँगा, ठीक है, क्योंकि या फिर कन्फ्यूजन में हो जाएगा ना, सो यही बेटर रहेगा कि मैं आपको दिखाते हुए हल करूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा कम पड़ रहा है, आपको दिखता भी रहे कर भी पाऊँ, सो देखो बेटा सबसे पहले हम चेक करना है फर्स्ट पार्ट, थोड़ा छोटा लिखता हूँ ना ताकि सारा सारा हो जाए, 2 स्टार 3 स्टार 4
करके इसको हमें हल करना है। तो देखो दो और तीन की अभिक्रिया हो रही है, ये दो है और ये तीन है। उसने आपको हल करके क्या दिया, एक दिया। यहाँ आ जाएगा एक, ठीक है, स्टार और यहाँ फोर, फिर वन और फोर, यहाँ वन है और ये फोर है। वन और फोर ने आपको हल करके क्या दिया, वन। आंसर ठीक हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट पे आओ, ये निकालना है, टू स्टार थ्री स्टार फोर। तो पहले इसको हल करना है, टू स्टार वैसे का वैसा, थ्री और फोर ने आपको हल करके, ये थ्री है ये फोर है, क्या दिया इसने आपको, वन दिया। अब टू है और ये वन है, टू और वन ने आपको हल करके क्या दिया, वन दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है क्या ये क्रमविधि में है। क्रमविधि में क्या होगा बेटा, क्रमविधि में क्रम विनिमय निकालने का एक ट्रिक भी है और एक तरीका भी है। हम जानते हैं कि अगर हम टू स्टार थ्री निकाल रहे हैं तो वो थ्री स्टार टू बराबर होना चाहिए। देखो अभी अपना टू स्टार थ्री आपको कितना मिला था, वन मिला था। थ्री स्टार टू भी आपको क्या दे रहा है, देखो थ्री स्टार टू भी आपको वन ही दे रहा है। तो ये तो पता ही लग रहा है कि ये क्रम विनिमय है। आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये क्रम विनिमय है। और एक तरीका कैसे है, तुम बिना कैलकुलेशन के भी पता लगा सकते हो कि ये क्रमविधि में है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास सक्रियता सारणी है तो। देखो सक्रियता सारणी में रोज, इसे बोलते हैं रोज और इसे बोलते हैं कॉलम। देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। ये वाला रो और ये वाला कॉलम बिल्कुल एक जैसे हैं। ये वाला रो और ये वाला कॉलम बिल्कुल एक जैसे हैं। ये वाला रो और ये वाला कॉलम बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये वाला रो और ये वाला कॉलम बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक, ठीक है, जब रो और कॉलम, ठीक है, आप पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति और क्या बोलते हैं, आप समझ गए हो क्या मतलब है। मतलब जब रो और कॉलम बिल्कुल एक समान हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, एक समान हो, तब यह क्रम विनिमय होता है। बिना कैलकुलेशन के भी हम चेक कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है, ये बेहतर लाइन है। जब रो और कॉलम बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा, क्रम विनिमय होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चली होगी आज पहले, तो प्लीज कमेंट कर देना क्या ऐसा आपको टीचर ने आपको बताया था, मुझे ये भी बताना। ठीक है, तो ये बेटा क्रम विनिमय तो हो जाएगा। उसके बाद आपसे और भी चीज़ें पूछ रहे हैं, वो भी हमने कहा है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार फाइव। ठीक है, चलिए वो निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, थर्ड, टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार फाइव। देखो बेटा टू स्टार थ्री तो हमने निकाला था, ये वन आया था, वन। फोर स्टार फाइव देखो कितना आया था, चेक कर लेते हैं, ये फोर है ये फाइव है, कितना आएगा, वन, यहाँ वन आएगा। ठीक है, और वन स्टार वन कितना आएगा, अंदाजे में ही लिखना है, वन स्टार वन कितना आ रहा है, वन। सो आंसर आ जाएगा वन, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। बन गया आपका आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बड़े आराम से और बड़े तरीके से बता रहा हूँ, है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवा। मान लीजिए कि समुच्चय वन टू थ्री फोर फाइव में एक द्विआधारी सक्रिया ए स्टार बी ए के बराबर है तथा बी का एच सी एफ द्वारा परिभाषित होता है, क्या सक्रिया उपयुक्त प्रश्न चार में परिभाषित सक्रिया के समान है। ठीक है, मतलब सक्रिय सारणी बना के देखना है क्या यही चीज तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो बताना है, मतलब अब की बार जो ऑपरेशन दे रखा है ना ए स्टार बी में, क्वेश्चन नंबर पांच में आपको सक्रिय सारणी बनानी है, आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है ए और बी का। समुच्चय आपको वही दे रखा है,
समुच्चय आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5। सुबह बहुत आसान है, टेंशन किस बात का है जब आपका भाई आपके साथ है। ये लिख दिया, यहाँ पर आपको बस HCl लेना है। एक और एक कैच से अब एक होते हैं, एक एक एक, एक क्योंकि छोटी संख्या है, ठीक है। दो और एक कैच से अब एक, दो और दो कैच से अब दो, दो और तीन कैच से अब एक, दो और चार कैच से अब दो, दो और पांच कैच से अब एक, तीन और एक कैच से अब एक, तीन और दो कैच से अब एक, तीन और तीन कैच से अब तीन। एच से अब निकालना तो आता होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये दो एच से निकालना तो सिखा नहीं सकते ना दूध पीते वाले बच्चों की तरह। तीन और चार कैच से एक आएगा, तीन और पांच कैच से भी एक आएगा, चार और एक कैच से एक, चार और दो कैच से अब दो, चार और तीन कैच से एक, चार और चार कैच से अब चार, चार और पांच कैच से एक, पांच और एक कैच से एक, पांच और दो कैच से एक, पांच और तीन कैच से एक, पांच और चार कैच से एक, पांच और पांच कैच से एक। ये हमारा सक्रियता सारणी बनना है। अब इसकी तुलना करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के साथ, क्या ये चौथा और ये वाला बिल्कुल बराबर है क्या। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ना है क्या, 1 1 1 1 5, 1 1 1 5, 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, बिल्कुल सही है। हाँ आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। ये आपका बन गया सक्रियता सारणी, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छठे पे। अरे मान लीजिए कि एन में एक द्विआधारी सक्रिया ए स्टार बी इधर बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सो बेटा एलसीएम लेना है ए और बी का, एलसीएम एचसीएफ नहीं, सेट आपको एन दे रखा है। जो समुच्चय है बच्चों वो आपको क्या दे रखा है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ये चीज दे रखी है, सो एक एक करके काउंट करेंगे। ऑपरेशन क्या दे रखा है बेटा, ए स्टार बी किसके बराबर है, एलसीएम है ए और बी का, ये लेने के लिए बोला है। और आपको चेक करना है, पहला आपको चेक करना है 5 स्टार 7। तो 5 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा बेटा, सॉरी एलसीएम लेना है, सो यहाँ लिख देंगे एलसीएम 5 एंड 7, 5 और 7 के पास 7 35, सो आंसर आ जाएगा 35। फिर आपको निकालना है 20 और 16 का एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 20 और 16 का। तो बेटा एलसीएम निकालना तो आता होगा आपको, नहीं आता है एक बार मैं बता देता हूँ, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 1 4, 5 पहाड़े में नहीं आता वैसे के वैसे, 4 5 5 चौके 20, 20 चौके 60, ठीक है, वो छोटी संख्या जिसपे इसका इसका भागा चला जाए, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 चौके 20, 20 चौके 80, सो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है फिर क्या बोला, क्या यह साहचर्य है, साहचर्य चेक करना है आपको। नंबर टू मतलब तीन पद ले लो, यदि जैसे ये 5 7 5 7 का निकाल रखा है ना, और ले लेते हैं कुछ ले लिया छोटा मोटा ही ले लो 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम चेक करते हैं 5 स्टार 7 स्टार 2, 5 स्टार 7 स्टार 2, ठीक है, इस तरीके से करना होता साहचर्य में, साहचर्य चेक कर रहे हैं। तो 5 और 7 का देखो एलसीएम कितना आया था बेटा, 35, और 7 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 14, 35 दूनी 70, 14 5 70, ठीक है एलसीएम। तो देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये आ जाएगा, हाँ
ठीक है, आप क्या लिख दोगे, हाँ ये साहचर्य है, इस तरीके से हमने चेक करके देख लिया। उसके बाद क्या चेक करना है, एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। हाँ यहाँ से थोड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है, तो तत्समक अवयव आपको निकालना है। तत्समक अवयव क्या होते हैं, तत्समक अवयव होते हैं एक ई जो कि सेट में होना चाहिए, एक ऐसा पद जिसको ऑपरेट करो ई के साथ, तो फिर से वही आ जाए, चाहे आगे से ऑपरेट करो चाहे पीछे से, आएगा ई, ठीक है, आएगा ई। तो क्या ऐसी संख्या क्या है, क्योंकि हमारे पास जो सक्रिय दे रखा है वो दे रखा है एलसीएम, तो देखो ई बराबर इस क्वेश्चन में 1 जो कि हमारे पास सेट में है, नेचुरल नंबर में है। अब देखो बेटा कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 5 ले लिया, 5*1 करोगे, 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5, या 1*5 करोगे, 1 और 5 का एलसीएम भी क्या आएगा, 5, समझ गया ना। यानी कि कोई भी पद होगा और उसको 1 के साथ एलसीएम लोगे, इस प्रश्नानुसार हमें एलसीएम लेना है, तो ए और एक का एलसीएम यही आएगा, चाहे ऑपरेशन आगे से करो या पीछे से, और ये हर एक ए कहाँ से आएगा, एन से आएगा। सो जो तत्समक अवयव है बेटा वो मेरा क्या है, 1 है, ठीक है, तत्समक अवयव कितना है, 1 है। क्वेश्चन नंबर ये 4th पार्ट था, एन के कौन से अवयव सक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, एन के कौन से अवयव सक्रियता के लिए व्युत्क्रमणीय है ये आपको बताना है। मतलब एक आ जाए आपको, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, 5वां पार्ट है कि ए आपके पास अगर कोई पद है उसको ए इनवर्स से अगर ऑपरेट कराओगे तो आपको ए मिलना चाहिए, और ए आपके पास सेट का कितना है, 1 है, तो हर बार 1 ही आना चाहिए। जैसे अगर 2 को हम किसके साथ क्या लें कि एलसीएम लेने के बाद 1 आ जाए, ठीक है, और हर एक पद का यूनिक होता है, तो जैसे 2 यहाँ पर ए इनवर्स 2 का 3 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मतलब अलग अलग पद आ रहे हैं, ये स्थिति पॉसिबल नहीं है। एक पद का एक ही टाइप का होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। जैसे अगर 2 का अगर 3 हो गया तो 3 ही होगा, 2 का 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, हर एक पद का अलग अलग होता है, लेकिन एक पद के देखो हर एक पद का अलग होता है, जैसे 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा, लेकिन एक ही पद के अलग अलग बहुत सारे नहीं होते, एक ही होता है। यहाँ पे देखो 3 भी है, 2 और 3 का एलसीएम 1 आएगा, 2 और 5 का एलसीएम 1 आएगा, तो अलग अलग पद आ जा रहे हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक ही पद ऐसा है, अगर ए की जगह मैं 1 लूँगा और ए इनवर्स उसका 1 आएगा, 1 और 1 का एलसीएम भी 1 आएगा, तो एक पद बेटा वो कौन होगा, एक ही होगा जिसका एचसीएफ 1 आएगा, मतलब जिसका व्युत्क्रमणीय अवयव 1 ही हो, ठीक है, वो है 1, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा दिमाग खोलो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको कान खोल के सुनो, कई बच्चों को थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, लेकिन जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है ना, जिसको बेसिक्स पता है, उसके लिए इससे आसान क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं है, सीधी सी बात है, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसके उसके लिए इससे टफ क्वेश्चन पूरे बुक में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी ए एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी सक्रिय है, अपने उत्तर का औचित्य देना है, क्या ये द्विआधारी सक्रिय है या नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखो बेटा समुच्चय आपको दे रखा है कितना, मतलब जो पद आने चाहिए ना वो इसी सेट के ही आने चाहिए, आउटसाइड आएगा तो बेटा नहीं होगा, है ना। समुच्चय में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ भी अभिक्रिया और करके यहीं से आना चाहिए, इससे बाहर का आएगा तो फिर द्विआधारी नहीं होगा, और हमें ऑपरेशन क्या दे रखा है, ए स्टार बी हमें दे रखा है, कह रहे ना एलसीएम लेना है ए और बी का, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे देखो मैंने यदि
ए बराबर में 3 लेता हूँ और बी बराबर 5 लेता हूँ, इसी से लिया मैंने, सेट से ही लिया। और ए और बी की मैं क्या करा देता हूँ अभिक्रिया, तो यानी कि एलसीएम 3 और 5 का कितना जाएगा, 15, जो कि सेट में है ही नहीं। इससे हम जगह नाम अगर ए दे दूँ, ए मैंने यहाँ से लिया है, इसको भी मैंने यहाँ से लिया, परंतु ये इस ए में है ही नहीं, अतः यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। सो बच्चों हम क्या करते हैं ना, आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, 7 नंबर तक। अगर यहाँ तक पहले जितने मैंने किए हैं वो समझो और करो, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जो 13 बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ बेटा, इसके जो विविध उदाहरण हैं, विविध प्रश्नावली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि विविध उदाहरण छोड़ दो या विविध प्रश्नावली छोड़ दो, ज़रूर करना है, ये ध्यान रखना।